आज हम एक्वाकल्चर के बारे में बात करेंगे, एक्वाकल्चर फिशरीज। सो स्पेशली श्रीम फार्मिंग, श्रीम पर प्रोन फार्मिंग। होता क्या है कि एक फार्मर 4 महीने का क्रॉप साइकिल होता है, एंड इन ईयर आप 2 क्रॉप लेते हो, और पर क्रॉप अगर दोनों क्रॉप सक्सेसफुल होता है तो मेरे को 6 से 8 लाख का फ़ायदा होता है एज ए फार्मर। बट इश्यू ये है कि 40% फेलियर रेट होता है बिकॉज ऑफ डिजीज, खराब सीड आ गया एंड अदर रीजन्स, मैनुअल ह्यूमन एरर। तो एक्वा कल्चर में भी काफ़ी अलग अलग टाइप का एनवायरमेंट होता है, मतलब जैसे एक बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी नाम से होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से टेक्निक लेके मिलाया है कि हम क्या करेंगे, पानी में कार्बन सोर्स डाले, उससे आपका हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करता है कि एक्वा कल्चर में खाली और खाली वाटर क्वालिटी मेंटेन करना नेसेसरी होता है, तो वो आपका जितना भी वेस्ट न्यूट्रिएंट है उसको वापस अपना बायोमास में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट इट्सेल्फ इज ए प्रोटीन। तो आपका श्रिंप और फिश उसको वापस खा सकती हैं, तो आपका क्या करता है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकल करता है, उसके अलावा डिजीज में भी हेल्प करता है। तो बट इश्यू बायोफ्लोक के साथ क्या है कि अगर मैं 100 फार्मर्स को ट्रेन करता हूँ तो आउट ऑफ 195 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें काफ़ी बैलेंस बनाना पड़ता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक उनमें ऑर्गेनिजम्स में मोड में। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक सेंसर, उसके अलावा कैमराज की मदद से हम पोन में पर यूनिट एरिया के हिसाब से बायोमास और बायोमास ग्रोथ रेट मॉडल कर रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड जो कि रीइन्फोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे कर रहा है। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग AI का पार्ट है, मतलब मैं खुद से लर्न करना सीखूँ, अगर मैं डाटा से सीखता हूँ तो दैट्स कॉल आपका। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा कि आपका ये कंट्रोल करेगा, हर चीज़ ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेशन लेके आएगा। अभी फार्मर को क्या करना पड़ता है कि हर वीकली 2 से 3 बार सैंपल लेना पड़ता है 1 m³ के हिसाब से, और उसमें श्रिम्प काउंट किया जाता है एंड बॉडी मास मेजर किया जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से इनपुट डिसाइड होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा। उसके अलावा जो एरेशन कंट्रोल होता है, कितना इनपुट डालना होता है, इनपुट में भी कार्बन सोर्स हो गया, फिर आपके उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फीड हो गया, ये सब, तो ये सब कुछ पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर गया। तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि आपका अनपढ़ फार्मर भी एक बायोफ्लोक एस्टेब्लिश कर पाएगा। बायोफ्लोक का फ़ायदा क्या है कि फेलियर रेट हम थ्योरेटिकली 0 और हम 5% टारगेट कर रहे हैं क्रॉप फेलियर रेट, और पर एकर आपका प्रॉफिट जो है वो 6 से 8 लाख से बढ़ के 20 लाख हो जा रहा है। एंड इट्स टेक्नोलॉजी दैट कैन बी स्केल्ड आउट फॉर अदर एक्वाकल्चर में भी, और उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से एक तालाब है, तालाब के अंदर हम एक दीवार खींच के अराउंड 2 से 3 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद उसको स्मॉल टाउन्स विलेज के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वुड यू वांट टू नो मोर ऑटोमेटिक रन होगा। सो आई विल गिव 1 more minute, इज दैट ओके? 1 more minute फ्लैट, ओके। उसके अलावा फिर इसका इस्तेमाल आप एल्गा कल्चर में भी कर सकते हैं। एल्गा कल्चर होता है एल्गे का, एल्गे को कल्टीवेट किया जाता है, वो काफ़ी पर्पजेज के लिए होता है, बायोफ्यूल भी हो जाता है, बायोप्लास्टिक भी हो जाता है, उसके अलावा फूड होता है, फार्मास्यूटिकल्स होता है, एंड फीड होता है जानवरों का। तो बेसिकली यही हमारा काम है। हमारा बिजनेस मॉडल होगा कि हम ये प्रोडक्ट का कॉस्ट 50,000 होगा, हम ये प्रोडक्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, उनको साथ में हम पर विलेज के हिसाब से एक इंजीनियर ट्रेन करेंगे 4 to 5 months के लिए, आफ्टर हम उसको उधर स्टेशन कर दिए, सो दैट पर्सन विल एक्ट एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ही विल ऑल्सो वर्क एज प्राइवेट कंसल्टेंट कि कभी भी फार्मर को जरूरत हुआ फार्मर उससे कर लिया। तो हमारा बिजनेस रिवेन्यू मॉडल होगा कि हम जितना भी टोटल रिवेन्यू हुआ उसका 15% लेंगे। सो दैट्स राइट नाउ वी आर इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। हमारा सीबा के साथ MOU है एंड IIT कानपुर में इंक्यूबेटेड है। Thank you. Any हमारे पास मॉडल तैयार है, लेकिन AI में क्या करना पड़ता है कि आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो हम डाटा कलेक्शन फेज में, मॉडल को ट्रेन करने के लिए डाटा चाहिए होता है।